ट्वीट किया है, इस समय की बड़ी खबर है और एक लंबा ट्वीट किया। आरती टिक्कू, आप बता रही थी, जल्दी से बता दीजिए हमारे दर्शकों को। प्रधानमंत्री ने अभी 7:25 पे ट्वीट लिखा है, पीपल हैव प्लेस्ड देयर फेथ इन एनडीए फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम, दिस इज अ हिस्टोरिकल फीट इन इंडियाज हिस्ट्री, आई बाउ टू द जनता जनार्दन फॉर दिस अफेक्शन। आरती जी बात करेंगे और प्रधानमंत्री के ट्वीट पर बात करेंगे। स्नेहलता जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक्स पर सहमति इसीलिए जता रहे हैं घटक दल क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमें जीसी मल्होत्रा साहब बता रहे थे कि अब अपने विवेक के आधार पर सबसे बड़े गठबंधन दल के तौर पर एनडीए को आमंत्रित करेंगी राष्ट्रपति और उन्हें सरकार बनाना होगा, इसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी सरकारी कागजी चिट्ठी की जरूरत नहीं है? ये सीधा सवाल आसान शब्दों में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति जी को समस्त अधिकार है कि वो सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करते हैं, परंतु जहाँ तक प्रथा का सवाल है तो पार्टी अपने जो सदस्य पार्टीज हैं उन सब का एक लेटर जरूर भेजते हैं कि हमारे पास बहुमत है और हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, तो ये एक प्रथा चली आ रही है और इसमें एक्सेप्शन भी हुए हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मल्होत्रा जी ने बताया था कि मल्होत्रा जी ने आपके मेंबर्स साहब जो इस डिस्कशन में उपस्थित है उन्होंने बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमंत्रित किया था तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने, तो ये सभी जो एक्सेप्शंस भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा नहीं है कि चिट्ठी की जरूरत अनिवार्य है, पर ये राष्ट्रपति जी के विवेक पर है और राष्ट्रपति जी जो पिछले समयों में जो भी प्रथाएं और जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको देख करके डिसाइड करेंगी और हम उन्हें कोई मैंडेट नहीं दे सकते हैं, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं जो भी टेक्निकल बातें हैं हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इस सभी, और 293 का आंकड़ा यहां पर एनडीए को मिला है और एनडीए के घटक दल पहले अपना नेता चुनेंगे, ये पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता रही हूं। एनडीए के नेता राष्ट्रपति से बहुमत का दावा करेंगे और पेश करेंगे क्योंकि 293 उनका प्री पोल अलायंस का आंकड़ा है। राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर फैसला लेंगी कि वो सरकार बनाने के लिए बुलाएं या नहीं बुलाएं। और देखिए, ट्विटर पे कौन दल क्या लिख रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो लेटर ऑफ इंटेंट देना होगा और उसके बाद, हालांकि उसकी भी वहां पर दोस्ताने में चल रहा है काम कि भाई हम एक मैसेज ये दे दें कि हम सब एक साथ हैं, लेकिन हाँ उसकी कोई संवैधानिक वैल्यू नहीं है, वो मान्य नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि लेटर ऑफ इंटेंट भी जरूरी नहीं है, प्री पोल अलायंस की सूरत में लेटर ऑफ इंटेंट जरूरी नहीं है। अगर आप बहुमत का आंकड़ा एक गठबंधन के तौर पर, एनडीए के तौर पर, अगर आप बहुमत का आंकड़ा छू चुके हैं या पार कर चुके हैं तो लेटर ऑफ इंटेंट की भी जरूरत नहीं है, आपको राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे और आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया जाएगा। तो एक्स पर जिस तरीके की सहमति व्यक्त की जा रही है उस पर शको शुबा इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि वो दोस्ताना निभाया जा रहा है कि हाँ भाई हम ये मैसेज दे दे बाकी पार्टियों को भी, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, हर किसी का सवाल का जवाब देने की जरूरत ना पड़े, तो ये लीजिए हमने लिख दिया कि हम एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, या नरेंद्र मोदी जी को बधाई पहले से दे दी कि प्रधानमंत्री अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसकी बहुत बहुत बधाई। तो कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू इतनी ही है कि वहां पर उन्होंने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया, लेकिन लेटर ऑफ इंटेंट जरूरी नहीं है, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। प्री पोल अलायंस की शर्त में राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगी क्योंकि बहुमत का आंकड़ा ये गठबंधन पार कर चुका है। बिल्कुल ठीक है। अजीत जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आपको इस पूरा, आपने तमाम एक्सपर्ट्स को भी सुन लिया है और बिल्कुल प्रोसीजर क्लियर है कि जब आपका प्री पोल अलायंस है, बहुमत का आंकड़ा आपके पास है, सभी घटक दल अपना नेता चुन लेंगे और मिलजुल कर सब जो सबसे बड़ा दल है उसको अपना समर्थन दे देंगे और फिर राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे और विवेकाधिकार का इस्तेमाल और न्योता मिल जाएगा बीजेपी को, लेकिन क्या ये सब कुछ आपको इतना आसान लग रहा है? क्या प्रधानमंत्री पद को लेकर आपको कोई ऐसी दिक्कत दिखाई दे रही है या नहीं दे रही? देखिए, ये तो कयासबाजी है। अभी जो स्ट्रांग स्थिति में अभी भी भाजपा और एनडीए है, क्योंकि नीतीश कुमार हों या टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हों, इन दोनों पर है कि अगर ये हार्ड बार्गेनर रहे हैं पहले भी
तो अगर ये कोई हार्ड बार्गेन करते हैं अगर विपक्षी पार्टियों से, हालांकि वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर ये अगर कोई बार्गेन करते हैं तो ऐसी स्थिति में ये कयास लगाया जा सकता है कि दिक्कत पैदा हो सकती है। जी राजेश भट्ट हमारे साथ एलजेपी से हैं, हमने देखा कि किस तरीके से सीधा सा सवाल राजेश भट्ट जी, क्या आप लोगों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया, लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है? बिल्कुल हम लोग तो साथ हैं, उसमें देने की कोई बात ही नहीं, जो फॉर्मेलिटी है वो किया ही जाएगा। हम लोग लगातार एनडीए के साथ हैं और एनडीए जो है इतनी मजबूत स्थिति में जरूर सरकार बनाएगी, इस पर अभी चर्चा बहुत पहले हो रही है और हम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने तमाम पांचों प्रत्याशियों के जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनकी जनता को भी पार्टी की ओर से शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। राजेश भट्ट जी, इंडिया गठबंधन में मित्रों का फोन आया क्या बधाई देने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आएगा, अभी इंतजार बाकी है और इंतजार कर रहे हैं आप इंडिया गठबंधन से फोन आने का व्यक्तिगत? राजेश भट्ट जी, नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन से सरकार बनाने का फोन नहीं आएगा, बधाई तो दे सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अभी तक बधाई का कोई फोन नहीं आया है और आया होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आया होगा। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई मुकेश, वो इस पर बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ हैं, मजबूती से हैं और एनडीए की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है अनुराग जी। लेकिन यहाँ पर ये मैं बहुत गंभीरता से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं और पूरे देश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। 5 सीटें जेडीयू और टीडीपी जो है वो बहुत निर्णायक भूमिका में है सरकार बनाने को लेकर। ये अच्छी बात है कि आपने अपना समर्थन जता दिया है। महत्व होता है। नहीं, बात ये है, निष्ठा सबसे बड़ी चीज है। आपकी शेप और साइज महत्वपूर्ण नहीं रहती, निष्ठा सबसे बड़ी चीज है। हमारी निष्ठा है एनडीए में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये सबसे बेहद महत्व रखती। मुकेश केजरीवाल, क्या जेडीयू और टीडीपी की भी इतनी ही बड़ी निष्ठा होगी? नहीं, बात यह है कि अभी भाजपा के जो प्रवक्ता थे सिंह साहब ने कोई ट्वीट नहीं किया, यहाँ क्लेम किया था कि जेडीयू ने तो ट्वीट कर दिया, आप लोग ट्वीट निकाल के क्यों नहीं देखते हैं? तो संजोग से मैंने देख लिया, जेडीयू का ऑफिशियल जो हैंडल है उसमें आज के दिन में तो नहीं है, अब पिछले साल या 2-4 साल पहले किया हो तो अलग बात है, आज के दिन में तो उन्होंने नहीं कुछ ऐसा लिखा है ऑफिशियल हैंडल पे, या तो कोई उन्होंने कोई दूसरा हैंडल देखा हो, या मतलब भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे दावे के साथ कहा था कि आप लोग तो देखते ही नहीं है, देख लीजिए। तो ये तो देख रहा हूं मैं, जेडीयू के ऑफिशियल हैंडल पे ऐसे किसी समर्थन की बात नहीं है। और दूसरी बात कि वो ये बात सही है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि नीतीश जी ने इतनी बार इतनी जल्दी और हर बार ये कह के कि आखिरी बार है, इसके बाद में राहुल गांधी